तो आज मैंने सोचा कि आपसे जो है बैठ के बात की जाए, क्योंकि खड़े होके तो बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूं। खड़े होके मुझे जल्दी जल्दी भी बहुत जल्दी 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 बोलना भी पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो जाते हैं खड़े होके जब हम बातचीत करते हैं। और जब हम खड़े होके बातचीत करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है थकावट सी भी महसूस होने लगती है। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपसे बैठ के जो है मैं आपसे बातचीत करता हूं। अभी बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, कॉल और मैसेज, और उसमें ज्यादातर जो है बहुत सारे लोग परेशान भी लग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को लेकर के ज्यादा परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ कर्ज को लेकर के ज्यादा परेशान है। हो सकता है कि कुछ पुरानी कंपनियों के कुछ कर्ज हो, या कुछ किसी और वजह से उनका कुछ उनके ऊपर कर्ज हो गया हो। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी उनके पास हो गई है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि ऑन पैसिव से इनकम आए और हम अपनी बहुत सारी जो लायबिलिटी हमारे पीछे है बन चुकी है उस लायबिलिटी को हम दूर करें। तो डेफिनेटली उनसे मैं इतना कहूंगा कि आप अपनी जो लायबिलिटी है उसको आप 100% यहां से दूर कर पाएंगे। पहली चीज तो ये है, भले यहां से थोड़ी सी देर लगे लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लायबिलिटी को यहां से 100% दूर कर पाएंगे, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी लायबिलिटी क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो ऑन पैसिव की जो शुरुआत हो रही है, और आने वाले समय में जो इसका रेवेन्यू कह सकते हैं या जो इसका प्रॉफिट जो आएगा हम सब लोगों के लिए, वो एकदम से नहीं आएगा, वो आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये एक डिजिटल बिजनेस है। डिजिटल बिजनेस के माने ये पूरा का पूरा जो काम रहेगा ये इंटरनेट के ऊपर रहेगा सारा का सारा काम। तो डिजिटल काम का मतलब यही होता है कि आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, तो आपको इसी से ही सारा काम करना पड़ेगा। इसी से ही आपको अपनी सेल, परचेजिंग, या जो भी आपको कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, या बैलेंस बैंक कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करना है, एक्स वाई जेड कोई भी काम करना है, आपको इसी मोबाइल फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से करना है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा काम शुरू होने जा रहा है इस दुनिया के अंदर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे हमारे इस कंपनी के अंदर, हमारे इस फाउंडरशिप के अंदर, और जिन्होंने आज तक कभी भी किसी भी डिजिटल तरीके से काम नहीं किया होगा, डिजिटल कंपनियों में काम नहीं किया होगा, डिजिटल मार्केटिंग में काम नहीं किया होगा, लेकिन उनको पहली बार ऑन पैसिव के अंदर आकर के इस डिजिटल माहौल का एक नया माहौल मिल रहा है, डिजिटल काम करने का एक नया माहौल मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है और हो भी रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जब किसी भी फील्ड में कदम रख देते हैं तो 100% उस काम को फिर सीख ही जाते हैं, चाहे भले धीरे धीरे सीखें लेकिन आप सीख जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है हमारे कुछ लायबिलिटी को लेकर के ज्यादा परेशान हैं, और कुछ लोगों ने एक से ज्यादा जो आईडी ले रखी हैं तो वो कुछ करना भी चाहते हैं अपने इस सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए करना भी चाहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का फल मीठा होता है, और अब इसमें ज्यादा देर लगने वाली नहीं है, जितना मेरा अनुमान है ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब जो कुछ भी हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि जब शुरुआत होती है किसी भी चीज की तो उसमें बहुत सारी चीजें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। लेकिन जब ऑन पैसिव के लिए 4.5 साल अब अभी तक जो है पूरे हो चुके हैं, 4.5 साल के अंदर अंदर हुआ क्या है, बहुत सारी चीजें बनी हैं, बहुत सारी चीजें बिगड़ी हैं। तो उससे एक नया एक्सपीरियंस भी टेक्निकल टीम को मिला है कि हमने कहाँ गलती की, हमने कहाँ पे क्या काम किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, तो वो अब आने वाले टाइम में उतनी गलतियां नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं उन लोगों से इतना कहूंगा कि जिन लोगों के ऊपर लायबिलिटी है, सबसे पहली चीज कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपके ऊपर जितनी भी बड़ी लायबिलिटी है वो यहां से खत्म हो जाएगी। और जिन लोगों को अभी तक ऑन पैसिव के ऊपर जो है भरोसा नहीं हुआ है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप भरोसा करना सीख जाओ, क्योंकि भरोसा भी एक बहुत बड़ी चीज होती है।
अभी मेरे पास आज एक कॉल आई थी, काफी देर बातचीत हुई, तो उनके पास लगभग 96 लाख, बहुत बड़ी रकम होती है, 96 लाख की लायबिलिटी है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी लायबिलिटी है। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन फिर मैंने उनसे इतना ही कहा कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो लायबिलिटी आप मुझे बता रहे हैं, ये तो आप कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, कोई भी आप कैसा भी बिजनेस कर लो, तब भी आप इसको नहीं चुका पाओगे। तो ऑन पैसिव के अंदर आकर के कम से कम आपके अंदर एक बहुत बड़ी हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे धीरे 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 करके बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा पैसा यहाँ से आप अर्न करोगे और अपनी लायबिलिटी को भी चुका पाओगे। तो मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जिन लोगों को बिलीव नहीं था पहले, अब वो लोग बिलीव करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था, अब वो पूरी तरीके से शांत हो गए हैं, पूरी तरीके से चुप हो गए हैं। और जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, मैं उन लोगों से एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप अपना बैक ऑफिस खोलो, इकोसिस्टम का वेबसाइट खोलो, onpassive.com वाली वेबसाइट खोलो, वहां पे आपको पर डे कुछ ना कुछ जो है जाकर के सीखना है, उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलता ही रहता है, बहुत कुछ नया मिलता है। तो यहां पर सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजी से भरी हुई जो कंपनी है अपनी, इसके अंदर आपको डिजिटल तरीके से ही सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है ये, क्योंकि हर एक मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और जब आप एक नया काम सीखते हैं तो वहां पे आपको एक नया रिजल्ट भी मिलता है, आपको कुछ नया ही मिलेगा, नई आमदनी मिलेगी, नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, आपको नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे, नई नई आपके पास टेक्निक्स आएंगी कि किस तरीके से काम किया जाता है। जो काम आप नहीं करना जानते होंगे वो काम भी आप यहाँ पे करना सीख जाएंगे, और जो लोग लायबिलिटी में हैं, उनसे मैं इतना बोलूंगा कि आपकी जो लायबिलिटी है वो खत्म होगी, और जरूर होगी, लेकिन एकदम से खत्म नहीं होगी, क्योंकि एकदम से इनकम यहां पर भी नहीं आएगी, तो एकदम से आपकी लायबिलिटी भी खत्म नहीं होगी। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, और इस ऑन पैसिव के अंदर आप आ ही गए हैं तो कम से कम आपके पास आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे आप जो है इसके बारे में किसी भी टाइप की कोई भी जिक्र मत करो। जो ऑन पैसिव के अंदर नहीं है और आपके आसपास लोग रहते हैं, उनसे आपको जिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे जो क्वेश्चन करेंगे आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे अभी फिलहाल, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर आप तब दे सकते हो जब आपके पास इनकम आने लगे, और उस दिन का आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर अपने आसपास के लोगों के आप हर सवाल के जवाब बड़े आसानी से दे सकते हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि लायबिलिटी आपकी दूर होगी, 100% दूर होगी, और जितने भी हमारे ऑन पैसिवियन हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो हमारे कफील अंसारी सर का भी एक सेशन होता है शाम को 7 बजे, उसमें भी आकर के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।